छोड़कर जो कि मुझे बहुत 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 ज्यादा प्यारी है। आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैंने आपको अपनी सब फ्रेंड्स मिलाया है एक को छोड़कर जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यारी है। ये है प्रिया चौधरी और ये मेरी वैसी फ्रेंड है कि मुझे जब भी कभी भी किसी दोस्त की जरूरत हो सबसे पहले वहाँ पर होती है। सिर्फ मुझे उसका नाम लेना और ये वहाँ पर होगी। तो आज एक और ये अपना कर्तव्य निभाने आई है। ये शार्विल की कार है जो कि ख़राब हो गई है, हम उसको ठीक कराने जाएंगे। साथ में कटिंग करवानी है मैंने और शार्विल ने, तो मेरे को सोचा प्रिया को बुलाएं। और ये क्योंकि अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, तो ये वो फ्रेंड है जिसको मैं बुलाऊँ और आ जाती, प्यार आ गया मुझे। तो ये वैसी वाली दोस्त है मेरी। तो बस अभी हम जा रहे हैं और मिलते हैं आपको बाहर आराम से। आएगी छोटी वाली व्हाइट कार में आ जाती है। चलो अच्छा सुन, फिर मैं यहाँ से गई, मुझे लगा शायद मैंने गलती से टर्न स्किप कर दिया। मैंने ये तो देखा नहीं काम लगा हुआ है, मुझे लगा मैंने टर्न मिस कर दिया। फिर अभी हम जा रहे हैं मे बी कटिंग करने और कुछ खाएंगे। भैया खाना है कुछ या कहीं चलना है? देखते हैं, पहले बताओ कुछ खाना है या कटिंग कराने का? देखा अच्छा है, अच्छा है। क्या रेंज का है? अच्छा है। ओके सो लाइक आई वॉज टेलिंग यू कि आई एम लकी टू हैव, इसलिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मतलब लाइक आई नेवर हैड अ बॉयफ्रेंड। गगन वॉज दी ओनली पर्सन इन माई लाइफ, फर्स्ट एंड द लास्ट। सो जितने भी मेरे बॉयफ्रेंड वाले शौक थे वो सारे लड़की पूरे की वैलेंटाइंस डे पे मेरे लिए कार्ड बनाती है। मेरी शादी से पहले इसने मेरे लिए एक पूरा घर डेकोरेट किया था जिसमें कैंडल्स थी, हीलियम बलून्स थे, और मैं 23 ईयर्स की थी और उसने 23 गिफ्ट्स लाए थे। और हर एक स्टेयर पे ऐसे ऐसे गिफ्ट था, मतलब जो एक लड़की ड्रीम करती है हमेशा उसके साथ ऐसा हो, वो सब सब मिल रही है। और आज इसने तो एक और जो किया है काम काटना पड़ेगा। नहीं नहीं मैं नहीं काट रही, नहीं नहीं मैं नहीं समझूंगी। नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, ऐसे छोटा पन लगता, कोई छोटा नजर लगती है। चलो ठीक है, बोल देना कि कुछ और किया लेकिन बता नहीं सकती क्योंकि नजर लगती है। चलो ठीक है, मैं आज जो किया वो दैट्स अ सीक्रेट बिकॉज वो बताऊंगी नहीं। बाकी भूख लगी है। मेरी शादी वाले दिन उसने ये सरप्राइज प्लान किया था जिसमें ये बहुत सारे बलून्स मेरे रूम में थे और उसमें हर एक बलून पे पिक थी और उसमें मैसेज था। अब हम कुछ खाने के लिए ऑर्डर करने लगे हैं बिकॉज सबसे घूम रहे हैं और अभी हमें कटिंग कराने जाना है जो मेन काम के लिए हम घर से निकले थे। और अभी हम कुछ ऑर्डर करेंगे, पेट पूजा हो गई। अभी हम जा रहे हैं फाइनली कटिंग करवाने जिसके लिए हम घर से निकले थे सुबह से। दे दो माची को खीरे। गुड बॉय, चलो बैठो सिट। प्रिया देखो बोल रहे हैं। हाँ जी फाइनली मेरी कटिंग हो गई ओवर और ये है मेरी फाइनल लुक। और अब टर्न थी शार्विल की जो कि बहुत ही बड़ा टास्क था। वो देखो वाह।
इसके साथ मैंने खुद की कटिंग कैसे की है वो तो आप देख ही सकते हैं, बट इसकी कटिंग कैसे करवाई है वो एक इम्पॉसिबल टास्क था जो हमने कम्प्लिश करा है, और उसके बाद उसका आउटपुट उससे भी ज़्यादा वर्स था क्योंकि इतना ज़्यादा क्रैंकी हो गया था, इसकी कटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई थी। बट आई एम वेटिंग इसके हेयर ग्रोथ थोड़ी हो जाए और फिर इसकी प्रॉपर से फिर से एक बार हम कटिंग करवाएंगे। और शाविल लगा है जैसे जिसके डॉगी से बाल कटवा कर आए हैं, उसके बाल तो बहुत ही गंदे लगे। अगर आपको याद होगा जो मेरा पहला व्लॉग था जो मैंने फर्स्ट व्लॉग डाला था, अपनी कटिंग का डाला था, और वो 9 मंथ्स पहले का था और आज मैंने 9 मंथ्स बाद कटिंग करवाई है, तो शाविल ने जितना मैं तंग किया वो प्रिया को ही पता है। क्या हालत बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए नहीं हाँ एग्जैक्टली मेरे को बेइज्जती भी इतनी बेइज्जती कराई है उस लड़के ने, इतनी बेइज्जती कराई है, और उसकी जो कटिंग हुई है ओ माय गॉड, क्योंकि वो कटवा ही नहीं रहा था बाल। अब मुझे लग रहा है कि अब उसके बाल कब लंबे होंगे, वो थोड़े ठीक होंगे। बाय बाय, कहाँ जा रही हो? सी यू सून, सी यू सून, बोलो सी यू सून, सी यू सून। मास्क कहाँ जा रही हो? तो एक बार फिर से कैमरा में पिया माशी को खुशी करो, किसी किसी ने को पिया माशी को। सो गाइज, ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा दिन। आई होप आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, सब्सक्राइब।